ये जाते हैं उनको रद्दी टोकरियों में बाहर दिया जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हर जिले में सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा नागरी जिले में। अर्जुन हजार की महिला एक दिन पहले आए थे, वही हाँ वही था। रुक जाओ, इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ठीक दिया जाता है। नहीं फेंका नहीं जाता, बात हुई थी हमारी इनसे। कोई काम नहीं, वहाँ कोई थानेदार बाबे नहीं। ये और चांदा का मामला है, हाँ रास्ता कोई चमकड़ा बना दिया बीच रास्ते में। ये सर ये तो जिलाधिकारी तो दे रहे हैं, हमसे क्या? अरे साहब मामला है चौथले का, महोदय मैं पत्रकार देवराज सिंह। आज आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है और जो ज्ञापन सौंपा गया है, तो इस पे मतलब जो है क्या आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए हम लोगों ने कई बार उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और दबंगों ने एक जात की हजन महिला है मकान के दोनों तरफ बांस बल्ली गाड़ कर उसका घर का रास्ता बंद कर दिया है। वो एक साल के आसपास से दूसरे के घर में रह रही है। यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी समस्या ग्राम सभा टांडा की है, बीज खरीदने में एक दबंग ने मट्टी का चौतरा बांध दिया है, उसको जाने के लिए 6 इंच की रास्ता छोड़ा है। अगर इन पे कार्रवाई ना हुई तो हम लोग सीधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय लखनऊ के लिए कूच करेंगे। जी मीडिया को जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद। मैं जोनल ब्यूरो देवराज सिंह रायबरेली।